अलोंग द डायरेक्शन ये क्या बनाते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ये क्या 90 डिग्री एंगल भी बनाते हैं। एक तो ये अपनी मेन पोजिशन पे उस तरह, क्या शाबाश, ट्रांसवर्स वेव का कंसेप्ट आपको समझना है। ट्रांसवर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में उसमें पार्टिकल्स ऐसे डिस्प्लेस होते हैं कि वो एक तो अपने आपके अंदर 90 डिग्री एंगल बनाते हो, दूसरा जिस डायरेक्शन की ओर उनको जाना होता है उस डायरेक्शन में भी वो कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये है ट्रांसवर्स वेव का कंसेप्ट। मगर लॉन्गिट्यूडनल वेव का कंसेप्ट क्या है, उसमें पार्टिकल्स ऐसे डिस्प्लेस होते हैं अपने मेन पोजिशन से कि वो जहाँ जिस जगह जिस डायरेक्शन में उनको जाना होता है उस डायरेक्शन पे वो क्या बनाते हैं, 180 डिग्री एंगल। सपोज अगर ये पार्टिकल है, ये इस तरह डिस्प्लेस हो गया या इस तरह डिस्प्लेस हो गया, फिर यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ से डिस्प्लेस हो गया यहाँ से, तो जाना भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। यहाँ पे इनको इस डायरेक्शन में जाना है तो एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। ये है फर्क। तो इसने ट्रांसवर्स वेव मोशन का कंसेप्ट दिया, और इसने ये भी बताया कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट जो है, जो 3×10^8 m/s देखी गई, तो इसने ये भी बताया फ्रेंसल और हाइजिन ने कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम। दैट मीन्स अलग अलग मीडियम में, सपोज सॉलिड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, गैसियस मीडियम में, अलग अलग मीडियम में अलग अलग रफ्तार होती है किसकी, लाइट की। तो ये किसने बताया, शाबाश, ये हाइजीन ने बताया या ये फ्रांसल ने बताया, दैट मीन इन डिफरेंट मीडिया लाइट हैव डिफरेंट स्पीड्स। तो इसको बताया गया, इसने ये भी बताया कि ऊपर स्पेस में एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसका उसने नाम भी बताया ल्यूमिनिफेरस इथर। ये हाइजीन का कंसेप्ट है, और फ्रांसल के उन्होंने क्या बताया, अप टू 80 किलोमीटर अबाउ 80, क्योंकि 80 किलोमीटर तक की एटमॉस्फेयर है, उसके बाहर कुछ भी नहीं बताया जा, कुछ भी नहीं है जो आजकल देखा जा रहा है, क्योंकि इसने बताया कि नहीं, उसके आगे भी एक मीडियम है जो बहुत ही मासलेस है, ऑलमोस्ट मासलेस है, उसका नाम क्या बताया था, ल्यूमिनिफेरस एथर। तो उसने एक हाइपोथेटिकल मीडियम का कंसेप्ट दिया था, एक हाइपोथेटिकल मीडियम है वहां पे भी, और बाद में ये सारा उसका ये खेल, ये सारा क्या झूठ साबित हुआ उसको बताया गया, क्योंकि जब फिर प्लैंक, मैक्स प्लैंक आया या मैक्सवेल आया, जेम्स मैक्सवेल या जेम्स मैक्स प्लैंक जब आया, तो उन्होंने क्या बताया इसको कि नहीं जी, आपका ये कंसेप्ट गलत है, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऊपर कोई मीडियम नहीं है, एक झटका मिला इसको। मगर इसने वेव कंसेप्ट दिया जो आगे जाके फिर सही भी साबित हुआ, और उस वेव कंसेप्ट की वजह से इंटरफेरेंस फिनोमेना भी एक्सप्लेन हुआ, ये क्या क्या पोलराइजेशन फिनोमेना भी एक्सप्लेन हुआ, डिफ्रैक्शन फिनोमेना भी एक्सप्लेन हुआ, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई। क्योंकि जब आप खासकर 10th वाले जब वो अपने फिजिक्स का पहला ही चैप्टर लाइट खोलेंगे, तो उसको एक रेड पोर्शन है वहाँ पे लिखा हुआ, उसमें एक टर्म है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब भी एक उपाय, सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, एक सोर्स ऑफ, सपोज ये सन है, यहाँ से क्या निकलती है, लाइट निकलती है, द फार ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मैंने एक छोटा सा क्या किया, स्मॉल साइज्ड ओपेक ऑब्जेक्ट मैंने इस लाइट के सामने रखा, तो जब भी ये लाइट इसके इसको टकराती है तो वो इसके इर्द गिर्द क्या बेंड हो जाती है, टर्न आउट हो जाते हैं। तो स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट पे जब भी क्या, शाबाश, लाइट पड़ जाती है, तो ये इस लाइट की टेंडेंसी क्या होती है, ये इस स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्या बेंड हो जाती है, इसी फिनोमेना का नाम रखा गया क्या, शाबाश, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, या हमें भी बोल सकते हैं एट द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की एज पे लाइट पड़ती है, क्योंकि वो एज उसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा है, तो उस एज पे क्या ये लाइट टर्न हो जाती है, बेंड हो जाती है उसके इर्द गिर्द, तो इसी का नाम रखा गया है क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
हाँ, तो हम यही कह सकते हैं, व्हेन द साइज ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, दिस इफेक्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम ये भी बोल सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर आपको डिफिनेशन लिखनी होगी, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये टर्म है आपके सिलेबस में, तो आप सीधे बोल सकते हो क्या, बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट, बेंडिंग ऑफ द लाइट, बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट, या आप ये भी लिख सकते हो, एट द अराउंड द अपर्चर ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो अपर्चर होता है एक स्मॉल ऑब्जेक्ट का, उसके उस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट बेंड हो जाती है, तो बेंडिंग कैपेसिटी इज द इंडिकेशन ऑफ वेव नेचर, क्योंकि अगर लाइट में वेव नेचर नहीं होता तो ये शाबाश इसके इर्द गिर्द बेंड नहीं हो जाती, तो यहाँ से पता चलता है कि इसके पास क्या, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन खाली आपके सिलेबस में इंटरफ्रेंस और पोलराइजेशन वो 12th में है। तो उसके बाद मैक्स प्लैंक आया, और मैक्सवेल आया, उन्होंने इसको बताया, नहीं जी आपका ये जो कंसेप्ट है मीडियम का, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मीडियम आपके 80 किलोमीटर तक ही है, उसके बाद कोई मीडियम नहीं है, अगर लाइट को मीडियम की जरूरत पड़ती तो फिर लाइट हमारे पास नहीं पहुंचती। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, तो उन्होंने क्या बताया, जो मैक्स प्लैंक ने और मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और मैक्स प्लैंक की बदौलत से फिर, और एडिसन की बदौलत से फिर क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट भी हुआ, वजूद में आ गया, और आइंस्टाइन की बदौलत से। तो उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमें क्या बताती है, हाँ जी बिल्कुल, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये बिल्कुल एक वेव की तरह है, मगर उसने ये कॉन्सेप्ट कहा कि इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिन वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, उनको हम मैटर वेव्स बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किनको हम बोलते हैं, शाबाश, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो इलेक्ट्रो मैक्स प्लैंक और उसने बताया, उन्होंने क्या बताया कि लाइट जो है ये प्रोपगेट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसने एक कंसेप्ट दिया कि लाइट लाइट जो है लाइट जब प्रोपगेट होती है, ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट होती है विदाउट एनी मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। उसने एक कंसेप्ट दिया कि लाइट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होता है, और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी इसमें होता है, दैट मीन्स लाइट में कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। तो फिर उसने एक नया कंसेप्ट दिया इसका, जो इसने वेव नेचर जो समझा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसेप्ट ऐसे समझाया। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है ध्यान रखना है, ऐसे समझाया, तो ये जो ग्रीन से मैंने लिखा, ये मान के चलो मैग्नेटिक कंपोनेंट, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। उसने बताया सपोज यहाँ से इसको जाना है, इस वेव को, ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और दूसरा ये जिस डायरेक्शन में इनको जाना होता है उस डायरेक्शन का भी क्या होते हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज मैं समझाऊंगा आपको, यहाँ पे पेन नहीं है मेरे पास, सपोज ये ऐसे आपको समझना, अगर ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ऐसे मैं समझाऊंगा, अगर ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ऐसे है, जाना तो इस साइड में है, जाना तो, ऐसे मैं समझाऊंगा,
ये ऐसे है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और ये मैग्नेट, दोनों एक तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, और इसके साथ भी क्या है, शाबाश 90 डिग्री पे, इसके साथ भी क्या है 90 डिग्री, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसकी शाबाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जहाँ ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन मतलब क्या हो गया, जहाँ इसको जाना है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये है ई एम आर, ई एम आर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये है उसका कंसेप्ट। ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, और दोनों क्या होते हैं आपस में, क्या शाबाश, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और आल्सो ये परपेंडिकुलर किसको होते हैं, शाबाश, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। उसके बाद क्योंकि मैंने बताया क्वांटम थ्योरी आ गई, उसने बताया कि ये जो लाइट है, लाइट छोटे छोटे पैकेट्स की बनी होती है, जिनका उसने नाम रखा गया क्वांटा, रखा गया नाम, प्लैंक ने उनका क्या नाम रखा, शाबाश, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये किसने बताया, ये मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल, मैक्सवेल ने ई एम आर का कंसेप्ट दिया था, तो मैग्नेटिक रेडिएशन का कंसेप्ट। तो मैक्स प्लैंक्स क्वांटम ने बताया कि जो लाइट है, उसने बताया था टिनली पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल्स, किसने, आइंस्टाइन ने, इसने बताया, हाँ जी, इसने भी सपोर्ट किया पार्टिकल नेचर को, इसको पार्टिकल, इसने बताया लाइट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी हुई है, और उसने उनका नाम क्या रखा, शब्द क्वांटास। अब क्वांटास क्या है, शब्द क्वांटास आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी ऑफ विच लाइट इज मेड, लाइट जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स की, एनर्जी के पार्टिकल्स की बनी हुई है, उन्हीं का नाम रखा गया क्या, क्वांटास। और आइनस्टाइन ने फिर इन्हीं का नाम रखा क्या, फोटॉन्स, क्या, तो क्वांटास या फोटॉन, क्वांटास इनको किसने बताया, प्लैंक ने, और फोटॉन्स इनको किसने बताया, आइनस्टाइन ने। तो फोटॉन्स भी क्या होते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो उसके बाद फाइनली आ गया कौन, डी ब्रॉग्ली, डी ब्रॉग्ली ने बताया कि अब जो ये सारा आपने बताया, किसी ने लाइट पार्टिकल का कंसेप्ट दिया, किसी ने वेव का कंसेप्ट दिया, तो कंक्लूजन अगर मैं अब आपको बताऊंगा कि नेचर ऑफ लाइट क्या है, लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर, ये डी ब्रॉग्ली ने फिर बताया, किसने, डी ब्रॉग्ली ने बताया कि लाइट इज हैविंग, शाबाश, ड्यूअल नेचर, लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो दिस वॉज द फाइनल कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। तो कल हम आगे पढ़ेंगे कि वट इज द वट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट, एंड वट इज रिफ्लेक्शन, एंड वट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू।